बेटी बहू ठकाने अच्छी और बिना ठकाने ये कुछ ना और अस्तनापुर भेज दो इसने या घरा पेरान कुछ ना ओ बेटी बहू ठकाने अच्छी ओ बिना ठकाने कुछ ओ अस्तनापुर भेज दो इसने ओ घरा पेरान कुछ ना ओ बेटी बहू ठकाने अच्छी ओ बिना ठकाने कुछ ना अस्तनापुर भेज दो इसने मदन लाल पंडित जी 100 रुपए से मान सम्मान और करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। कौशिक स्टील ट्यूब भाई महेंद्र पीयूष बहुत इनाम पहले 100 रुपए और बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। हमारे बहुत ही आदरणीय हैं बहुत ही हमारे गुरुजियों के मित्र रहे हैं बहुत अच्छे नेक दिन इंसान गाजियाबाद यूपी सीमापुरी बॉर्डर पर इनका काम है आदरणीय श्री धर्मपाल शर्मा जी स्वरूप श्री गुरुजान 500 रुपए से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। नुजर मारा मोड्या गए मोड्या के डेरिया में के इसी छोरी हुए आ गए देखियो इस शकुंतला का ने क्या कहा शंकर बहुत ही नाम पहले 100 रुपए और देते हैं बार बार धन्यवाद है। ललित ये छोटा बच्चा है बहुत मान सम्मान किया 100 रुपए और देते हैं बार बार धन्यवाद। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं बड़े भाई हैं समुंदर ड्राइवर समसपुर से 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। सत्यनारायण कौशिक जी 100 रुपए से मान सम्मान और करते हैं बार बार धन्यवाद। सुंगरपुर से सुखबीर शेखावत जी हमारे भाई 100 रुपए से मान सम्मान और करते हैं बार बार धन्यवाद। एक हमारे मित्र हैं हमारे भाई हैं जय सिंह हमारे भाई हैं जय सिंह 1100 रुपए से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं वो भाई भाई को बार बार धन्यवाद है धन्यवाद सभी को। हले हले
हाल 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 ये रंकाट का दौर आपके बीच में हाल बहुत बढ़िया तरस बहुत बढ़िया रागनी मासे जी ने सुनाई है। उनने की बनी गावा है हाँ और किसे की तम फरमाइश पर गाया करा इब जुकर मासे जी कह था मासे सुमित मासे चरण सिंह के बारे में बोले मुंह देख आपका तो श्री देवी कैसा हो रहा है उम्र गैल तक आ जाए कोई दिन में खजूर कैसा हो जाएगा सब काणा भाई और सब काणा हले ये न्यू कह दे बोले थोड़ा हा सब ऐसा है गाना करियो रंकाट मखा यो पक्का सवा दूसरे यो पहलम करेगा काम खराब जिस समय वराणी सुनीति अपने वंश को बढ़ाने के लिए अपने पति राजा उत्तानपाद की दोबारा शादी करवा देती है। छोटी रानी ने फेरिया के समय तीन वचन लिए थे चार मांगे एक की उदाहर थी। जब डोले नौ लखे बागों के यहां पहुंच जाते हैं कहार के तक के डोला डांट दे राजा ने बुला राजा उत्तानपाद गए निवली वो चौथा वचन ई बिलूंगी क्या कहती है सुनिए मन तीन वचन पहले रखी यो बाकी वत्सन मेरा और चौथा वत्सन की बलिए लू या मदनलाल पंडित जी 100 रुपए और देते हैं बार बार धन्यवाद। शंकर पंडित जी 100 रुपए और देते हैं बार बार धन्यवाद। भाई ललित पंडित जी 100 रुपए और देते हैं बार बार धन्यवाद। हेलो कौशिक सटील ट्यूब्स
महेंद्र कौशिक, पीयूष कौशिक जी कई हजारों रुपए पहले 100 रुपए और देते हैं, बार बार धन्यवाद। हेलो हेलो भाई, बहुत बढ़िया रंग। किस समय की बात, जिस समय वो पूरणमल अपनी मौसी के महल में गया और उसके रूप ने देख करके वह कामदेव में घर सो जाती है। पल्ला करके खड़ी होगी पूर्णमल, तल्युकल लाके देखे तेरे पिता से जोड़ नहीं मिलती और तेरी मेरी जोड़ी मिला। पूर्णमल युकल लाके मौसी आवाज कर भाई, सारे माइका की आवाज रहा है सारे ऊपर में के भी करी, इसकी कोरसाला के भी करे। हेलो 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 हेलो। तो अपनी मौसी को समझाता कि माँ जो पति बरता और होती है उसकी ये कादे नहीं होती। कौन से कादे होती है, एक भजन के द्वारा माइक को सेट करें प्लीज, ये कलाकार की आवाज नहीं आ रही है, माइक को सेट किया जाए, या तो ऊपर करो या फिर आवाज कम है तो आवाज बढ़ाए। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। कोई आवाज नहीं आ रही है पूरी करीब में। भाई तेरी शिकायत आओ मेरे, तुम पिटवा होगा फिर हमने। भाई न्यू है चरणे की आवाज, हम शुरू तो सुन दे, न्यू तो है कोनी क्यों गूंगा है ना। सही बात है जी। हेलो हेलो, अरे मेन मेन माइक की आवाज को ठीक बना के रख, चरणाड़ी बना के रखिए। तो चरण गान नहीं दे आ गए, तो नान नहीं दे।
सुनियो भाई दे भाई कुछ भी हो चरना है भाई देख हाँ ये बच रहा है जी इसमें गणी वो एक यूपी का एक दिल्ली का एक हरियाणा का था तीनू बिठा लिए उनका के गाजर दर दिन बोला भाई गाजर की कोई बढ़िया चीज बनाओ ये वो यूपी आना था उनका चाल कोल्लू तो वो बोला भाई इस गाजर ने बोला चाशनी में घेर दो और बोला इसका गाजर का के मुरब्बा बनेगा बोला कसूता स्वाद आऊगा बोला भाई बढ़िया दिल्ली आला पूछे ने बोला तू बता भाई मैं चटपटा खानी है वो बोला भाई इसमें राई मिर्च मसाले तेल और काट के गाजर ने गाजर का बोला टोप का अचार बनाएगा बोला वो बात तेरी भी ठीक ये वो अपन ला लट था ने बोला भाई तू बता गाजर का के बनाना हो तने ने बोला देखो जी बात सीधी सी आ है जई नाल में स्वाद नहीं आओ ना तो अपनी ने धो के खा लो उतना स्वाद आओ है देख ठीक है कि मैं वो सरनाई तुम आए गाजर इसने तो क्युकरे खा लो चाहिए मौज बिठा दिया ये कोई दिक्कत नहीं है बहुत बढ़िया सरना भाई बहुत बढ़िया क्या कहा दूसरे नंबर पर हारमोनियम सुन दाए को ना मिला रहे है मिले रहे नु थोड़ा कर रहा है यो हारमोनियम सुने नहीं रहा वो ये नाच करेगी हो नाच करेगी यानी बन के यानी बने करेगी वो आज करेगी पानी बन के वो पानी बन करेगी ताज धरेगी शाही बन के वो शाही बन करेगी राज करेगी रानी बन के रानी बन करेगी वो राज करेगी रानी बन के वो रानी बन करेगी देख लो अनुमान लगा लो कितना गोशार मानस है न्यू बेरा है रंग काट करण की जरूरत नहीं है उलाने उलाने मार दी एक वकील के घर ने पांच चार मेहमान आ गए उसने भीतर मैसेज दिया आपकी घराली पे हेलो हेलो ठीक से न हेलो एक वकील के घर ने
मेहमान आ गए चार पांच। उसने भीतर अपनी घराली कन मैसेज भेजा चाय बना दे पांच कप। उसने वापिस मैसेज भेज दिया चीनी को ना करने। खुद गया उठ के मुंह रखे मैं वकील रहा जब मनु कदी चाह बना दे नवली बना दू क्या की चीनी तक को ना नवलिया तू बना तो सही। उसने अदरक गेर दी चाय पत्ती लूंग इलाची गेर दी लेकिन चीनी की पूर्ति तो चीनी ही करे। दूध गेर दिया चाह पहुंचा दी पांच कप। उन पांचवा ने नु हाथ कर हाथ करण तो पहले हम खुद ना हाथ कर रुको भाई इनमें तो एक चाह फीकी है जुन से के भी वह फीकी हाथ लगी ने उससे के पार्टी लग गई। अरे छोटी पार्टी नहीं सांझ वाली पार्टी लग गई। सारे चपा चपीन लाग रहे कोई साया कोई से कुछ नहीं कहे सारे अनुभव फीकी चा पी ली चालता एक तरह कूणी भी मार गया ने बोलिया बैरी इतना मीठा क्यों पिया रो शुगर हो जाएगी। को साल तक लेकिन एक बात बताऊं तो ना आजकल की जनरेशन में बुढ़ापा फर्क से एक बुढ़िया चढ़ ली बस में भीड़ ज्यादा थी दूसरा कुड़ी मारे ताई आगन होले न्यू करती करती बोनट पाएगी चाचा गज्जा बरगा बैठा है लाड़ बैठ से बुढ़ी इतनी देर में एक छोरी मैं बाल कटा रही वो भी कटिंग करा रही हाथ में मोबाइल आर दो रेसी आ गई ये एक छोरा खड़ा है मटमूर बैठ से और वह ताई का नहीं आस पड़ी ताई ने बोली एक के देख सको दिन में तेल भी आठ बोनेट पर आना पड़ेगा भाई पांच दस साल में तू भी बोनेट पर आ जाएगा नहीं दिखे ना आ जाएगा इसी बात से क्योंकि भाई मारिया संगत दूसरी मेल की थी उसके मरमाटी छतबीर दो आ तेरी संगत दूसरी होगी क्योंकि तय ऐसा बदलाव देखा हमने देखे याद तक हो जा हुआ चीज दूसरी कली में क्या समझा की के
तू नहीं लेते पिया प्यारे को ओ मिले न छुट्टी ओ को मिले न छुट्टी अरे आज चंद नाचे मेरी कुट्टी ये हमारे मित्र चहल साहब नाम तो शाम से वकील साहब 100 रुपए पैंट का सम्मान करते बार बार धन्यवाद देते हैं। पुष्कर पंडित जी 100 रुपए से पैंट का सम्मान करते हैं। भाई मिनल हार 50 रुपए से पैंट का सम्मान करते बार बार धन्यवाद। है मेरे अर्थों तो छो में आ गया। आओ वो एक बनिया बैठा दुकान पे और एक कुत्ता आ गया। देख भाई बुरा ना मानिए चरना देखा आसन बोलने का काम है। हाँ वो कुत्ता आ गया गुड़ की बोरी थी वह खोल के मुंह करके गुड़ दरिया वो और वो कुत्ता है उसने वो गुड़ की डली का मुंह ला दिया। बनिए की एक खास बात हो है पहली शुरू में बोल रहा ना तड़तड़ा के पड़ेगा एकदम उस कुत्ते ने डली का नहीं मुंह करया और वो बनिया बोला कुत्ता कुत्ता छो माया वो और वो कुत्ता भी असली था कुत्ता उसका नहीं मुंह करके बोला है बोला खाले खाले मजाक भी कौन सुन दे लोग तू तो यार सीरियस ले गया चरणा मत मजाक कर रहा था मेरे अरे इब्बे तो सह तू इब्बे तेरे में दम बाकी है यार कमाल कर दिया। कितना क्लियर गाना गाता है बहुत बढ़िया गाना गाता है चरणा भाई। और इब्बे तो 5-7 साल और मारी गेल दिखाओ गाई सी बात नहीं है। हाँ इबकल का डोली मारेगा उछल कहीं होती तीसरी कली में देख लियो पक्का मारेगा भाई क्या कया साल का भरत सुनने की बात सुनो 6 साल का भरत शेरा गेल खेला करता शेरा गेल कश्यप ऋषि ने बोला इस लड़के को देखो इतनी छोटी सी उम्र में शेरा के गेल इसकी कोड़ होती है ये आम बच्चा नहीं है मैंने इसका नक्षत्र देखा है ये लड़का ऐसे मुकाम पर पहुंचेगा जिसकी कोई भी हद नहीं रहेगी। क्या कहा उस भरत के बारे में कश्यप ऋषि ने क्या लिखा वे प्रजा पालन करने से राजा सुरती हो मनु धर्म का पालन करना मनु समृद्धि होगा। 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञान कुदरती होगा। इस लड़के का मेष लगन यो चक्रवर्ती हो हुआ है थोड़ा है बाकी हो थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी मैंने तो कर दी है हो जितेंद्र चहल जी एडवोकेट साहब तो शाम से बहुत इनाम पहले कलाकारों को 100 रुपए और बार बार धन्यवाद है धन्यवाद।
आज चरणा एकला नहीं है, चरणा न्यू मतमानी तू एकला। हाँ जिसे फूटे फटे हाँ तरह गैल रहेंगे वो एक बाय एक मंदिर का पुजारी बीमार हो गया, दस्त लाग गए उसके गर्मी सेदगी, डॉक्टर ने दवाई दे दी के दो दिन में आराम हो जाएगा, दिन तीसरा फिर डॉक्टर फिर इसी दवाई दे के गया न बोलिया आज आराम हो जाएगा, फिर पुजारी मरिया मरिया है बोलिया फिर इतनी इंपोर्टेंट दवाई लिया कर दी भाई इससे तो रामबाण इलाज है तो, फिर न्यू बेरा आया भाई ठीक नहीं हुआ भाई न बोलिया ईसा करे के है, डॉक्टर का कुदरती हूं शंख का ध्यान हो गया, न बोलिया बाबा जी यो शंख बजाओ तो यो हाल रहेगा, सुमिति शंख मत बजाओ तू क्या कह सकते हैं, छोटे भाई 100 रुपए और देते हैं बार बार धन्यवाद। ओ नजर के सामने जिगर के पार, नजर के सामने जिगर के पार, ओ कोई रहता है सुनी हो
दीपक नु कहे करना तू एकला नहीं है मैं त्रिगेल हूं देख यो करना तो घाट से यो भी करना है करना भी कौन आयो हाँ यो करना यो चरना भी कौन आयो किम्म भी कौन आ वो नुबला मैं एक जना था वो गाम में वो मतलब नु लिया गुणा बड्डा जेदला था 50-60 रोटी खानी उन टाइम की घर के तंग काम कि मैं करानी रोज नाज पैर जाए इतना वो घर थकाड़े मेरा भाज तेरा के काम लिया तू सारा कोठा खाली कर दिया तने वो बेचारा शहर मच लिया गया उड़े एक सर्कस लाग रही उस सर्कस में बढ़ गया उस मैनेजर तन बोलिया नु बोलिया जी मैंने कोई काम ला लो जी बोलिया भैया के काम तेरा नु बोलिया जी किम में काम ला लो जी कोई तनख्वाह नहीं चाहिए सिर्फ रोटी रोटी आम रह जाएगा उसने के बेरा के है यो नुला रहे लीद लाद है गदे घोड़िया कीरिन की हाथी उथिया कर लेगा काम रोटी रोटियां बल्या रह जा भाई ये वो रोटी खान जा तय ला ले दो बिलाता की और गांजू ले नू आदिया दी गम्मा गम गम्मा गम वो नुबले वो यो रोटियां में यो मानस न्यू ओ भाई पार नहीं पड़ेगी फिर एक जना सेना सा था उन्होंने बोलिया जी इसका एक काम कर लो इसका थम सर्कस में शो रख लो देखो बोला एक आदमी कितनी रोटी खाओ है उसका नो तो 12 शो में बुला लिया उन्होंने बोला आ जा भाई बिठा के उसका आगे 50 रोटी धर दी ना देखो जी एक आदमी कितनी रोटी खाओ है 50 की 50 पैर गया चला गया 3-4 शो में फिर बुला लिया उन्होंने बोला आ जा भाई फिर धर दी 50 फिर पैर गया श्याम ने 6-9 का शो आया फिर बोला ले आ जा भाई 50 फिर पैर गया 3 टेम पैर गया रात ने 10 मैनेजर का क्वाड खुड़का मिला ओ मैनेजर साहब 12 बोला के बात बोला तेरी मेरी के खुली थी बोला के खुली थी अक रोटी रोटियां हम काम करना है बोला हाँ बोला फिर सारा दिन शो शो करवाओगा अक रोटी भी खुआओगा दीपक तूर करना थाम दोनों च कट्ठे आ जाओ थाम ना नाश्ता नाश्ता में ले जाएगा मैं रोटी तो पाछ रह जाएंगे गुरु भक्ति सुनिए बहुत गुरु भक्ति सुनिए कई कवियों को गाया भी सुनया भी लेकिन सजना पंडित मांगे राम जैसी गुरु भक्ति हमने देखी नहीं किसे कवि की पंडित मांगे राम जी आखिरी में कहनु कह रहे वो लोग नु कहना लक्ष्मी चंद अरे वो लक्ष्मी चंद भी कोन्या था वो भी ओरे के में बीमारी थी ये कह दिया आखिरी बात लक्ष्मी चंद्र लक्ष्मी चंद्र बिना था
भाई शंकर बहुत इनाम पहले 100 रुपए और बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। ओ धाम जाती हूँ वही चले आते हो थोड़ी थोड़ी मेरे दिल में समाते हो ये तो बताओ के तुम मेरे कौन हो तो बताओ के तुम मेरे कौन हो। भाई खुराक तो तेरी है मानना पड़ेगा। एक सुमित भी चालाक सुमित चालाक तो राम का नाम से इतनी होशियारे कुतिया खेत में रहा करती ओड़े ये जो कोल उलारा क्या था वे काम करनिया की रोटी जाया करती वह इतनी होशियार थी इतनी चंट थी मतलब झुकरे महेंद्र सिंह धोनी की प्रिंग क्रियाकरण है किसी ने टूक तोड़ के बगा दिया धरती में पड़ ना दिया करती रोटियां ही भूख फालतू थी उसकी कोई टिप्पण दर जाने उस टिप्पण न ठा ले जा किसी का छालना उसका छालना ठा ले जा बूढ़ लाने ने दिमाग सलाया हुक्का पिया करते वो तो वह कोयला में दाब दिया ठेक कर कति लाल कर दी जब ने रोटियां अटे माया तो बतवाई न पुंदड़ा लाम थी जो को 150 खा गई थी बनु आई उनने चमटा पकड़ के एक ने टोक देखा दिया दूसरे ने वा ठेक कर बगा दिया तो ठेक रूपी मुंह में फिर नुका देखिए कपूर का बामा का पास मत खा। अरे थाम तो बड़े जुल्मी रहे इतनी ताती ठेक कर बगाया कर बेचारी वा रोटी मांगण आ रही है शर्म भी कुनी आंदी शर्म देखो शर्म का तो ईसा है शर्म तो एक लेन मन ने के कमेटी आला ने भी आनी चाहिए तेरी फोटो भी इसी ला रखे जो बैंक का सबसे बड़ा डिफॉल्टर है देख लेते दोनों की बात करे फोटो कौन दिख दी इसने फोटू के ये सारे भाई ने उन बैठे थे ये भी आगनी में बुलाए हैं क्यों गाव जब तो चश्मा हटानी पड़े सारे के एक्सरे है दिखाई सुनिए जितेंद्र चहल साहब वकील साहब तो शाम से आदरणीय 100 रुपए से और सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। ओ क्या दीवाना होता है मस्ताना होता है हर दम से लेना होता है ये सारी करीम करीम बैठी सुन दी लो बताओ ये दोनों गाने बढ़िया है अच्छा लग गया प्रोग्राम एक बार हाथा के बताओ भाई बस भाई आप हमारे आए हो गए जो जिस प्रोग्राम जिस मंत्र करा था ना वो हमारे पूजे और भगवान की दया तो भैया जोड़ी नहीं बनी रहे क्या सारा सारा तो जिंदगी है भाई देखो भाई कोई किसी पर कोई कहे कि ये मारगाम वाले तो हमने कहेंगे दूसरे थोड़ी कहे
क्योंकि हमारा फर्ज बनता है इनकी इज्जत करना। एक बार दोनों भाइयों के लिए जोरदार ताली। आखिरी कली में बामन ने कैसे क्या तोड़ बैठा।